खबर आपको देंगे। पीसीबी ने नजम सेठी के को लीगल नोटिस का जवाब दे दिया है। जवाब में साबिक चेयरमैन बोर्ड की जानिब से लगाए गए तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए गए हैं। पीसीबी ने नजम सेठी के लीगल नोटिस का जवाब दे दिया है। इस जवाब में साबिक चेयरमैन बोर्ड की जानिब से लगाए गए तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए गए। तफसीलात जानते हैं बिलाल अकील से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक लीगल नोटिस भेजा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि उनकी जो तफसीलात अखराजात की शाया की गई हैं वेबसाइट पर, वो तमाम तफसीलात गलत हैं और इनको जल्द से जल्द हटाया जाए। और आज जो है वो पीसीबी का रद्दअमल इस पर सामने आया, जिस पर उन्होंने नजम सेठी को लीगल नोटिस भिजवाया। उसमें ये कहा गया है कि तमाम तक जो इल्जाम नजम सेठी की तरफ से लगाए गए थे वो तमाम तक बेबुनियाद है और उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुस्तरद करता है। इसके साथ साथ जो नजम सेठी की शाया खर्चियां हैं वो भी उन्होंने तमाम तक तफसीलात उस नोटिस में बताई है कि नजम सेठी ने बतौर चेयरमैन 3 साल जो है 5 लाख पर माहाना जो है वो 5 लाख लिए, जिसकी जो कुल अमाउंट है वो 1,41,00,000 के लगभग है। तो अब जो है वो पीसीबी जो है वो इस पर पीसीबी का रद्दअमल ये सामने आया कि पीसीबी जो है वो लीगल नोटिस भी नजम सेठी को भिजवा सकता है और जल्द जो है वो साबिक चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान की भी तफसीलात जो है वो वेबसाइट पर शाया की जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल अकील, अपडेट कर रहे थे।